इस टनल से इवैक्यूएशन के लिए 5 पाइप का सहारा लिया जाएगा। सिलक्यारा छोर से बडकोट छोर तक पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाएगी। इस एनिमेशन के जरिए हम आपको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलक्यारा छोर की तरफ आप पाइप बंद देख सकते हैं। इसकी लंबाई 60 से 70 मीटर और चौड़ाई 900 मीटर होगी। ट्यूब 2 की लंबाई 170 मीटर है। प्रवेश द्वार से गैप 280 मीटर है। इवैक्यूएशन लाइन 3 की लंबाई 90 मीटर है और प्रवेश द्वार से गैप 320 मीटर है। पाइप 4 की लंबाई 325 मीटर है। सुरंग के 2 पॉइंट है, पहला है सिलक्यारा और दूसरा है बडकोट। दोनों तरफ से खुदाई चल रही है। बडकोट की तरफ से करीब 2.25 किलोमीटर तक सुरंग खुद चुकी है। प्लान ए के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 325 मीटर की ड्रिलिंग करके ऊपर से पाइप डाला जाएगा। ये जिम्मेदारी ONGC को दी गई है। प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर कम ऊंचाई वाले इलाके में ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 86 मीटर की खुदाई करके एक और पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्लान पर SJVN लिमिटेड कंपनी को लगाया गया है। टनल में फंसे मजदूरों के लिए सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम हो रहा है, जिसके लिए अब इंदौर से एक ज्यादा पावरफुल ऑगर मशीन मंगाई गई है। ये काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के जिम्मे है। एक और प्लान पर भी साथ साथ काम चल रहा है। इसके तहत बड़कोट वाले छोर से खुदाई का काम किया जा रहा है। ये जिम्मेदारी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी THDCL को दी गई है, लेकिन बड़कोट की तरफ से 480 मीटर लंबी खुदाई करनी होगी और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा।